गाइस कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इस चैनल पे, हाउ टू ऐड स्ट्रीम स्टार्टिंग सून एंड एंडिंग सून वाली स्क्रीन ऑन योर मोबाइल लाइव स्ट्रीम। तो वो वीडियो को आप लोगों का बहुत ही प्यारा सपोर्ट मिला और बहुत सारे नए व्यूअर्स जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया प्रिज्म ऐप। तो और बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मुझे क्वेश्चन था कि भाई इसमें अलर्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रीम लाइव्स में अलर्ट्स आते हैं वैसे अलर्ट्स कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं प्रिज्म ऐप में। तो गाइस उस चीज़ का सोल्यूशन ही लेके मैं आया हूँ इस वीडियो में और आप लोगों को मैं इस वीडियो में वो ही बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपनी मोबाइल लाइव स्ट्रीम पे प्रिज्म ऐप में कैसे अलर्ट्स ऐड कर सकते हो, सो दैट जब भी कोई आपकी लाइव स्ट्रीम पे आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा या फिर कोई सुपर चैट देगा या फिर कुछ भी करेगा तो उसका आप लोगों के स्क्रीन पे अलर्ट आएगा, मतलब वो नोटिफिकेशन जैसे आता है डायनेमो वगैरह की स्ट्रीम में। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो पूरा देखना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद मैं दो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो दोनों वीडियो आप लोग जरूर देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में हम लोग दो चीज़ की बात करने वाले हैं, एक स्ट्रीम एलिमेंट्स वेबसाइट की और दूसरी प्रिज्म ऐप की। तो अगर इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ के लिए आप नए हो, अगर आपको स्ट्रीम एलिमेंट्स वेबसाइट के बारे में नहीं पता या फिर आपको प्रिज्म ऐप के बारे में नहीं पता, तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड वीडियो की जो लिंक रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियोस आप देख लेना तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी प्रिज्म ऐप की भी और स्ट्रीम एलिमेंट्स वेबसाइट की भी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी ही तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन में ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउजर। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है streamelements.com वेबसाइट पे, streamelements.com ये वेबसाइट पे आपको जाना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो आप वहाँ से जा सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन करना है अपने यूट्यूब अकाउंट से, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब से लॉगिन कर लेता हूँ या फिर जहाँ भी आप लाइव स्ट्रीम करते हो वहाँ से उसकी लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन हो जाएगा और आप कुछ ये डैशबोर्ड पे आ जाओगे जो कि अभी लोड हो चुका है। ठीक है, ये डैशबोर्ड पे आने के बाद आप एक बार कंफर्म कर लो अपने ब्राउजर में, ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करो एक बार और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन कर लो। डेस्कटॉप साइट ओपन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आती है वेबसाइट, नहीं तो मोबाइल पे फिर अच्छे से समझ में नहीं आती है वेबसाइट। तो एज अ डेस्कटॉप साइट इस वेबसाइट को आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे थ्री डॉट्स है, तो यहाँ पे थ्री डॉट्स नहीं एक्चुअली थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जाओ माय ओवरलेज पे क्लिक करो, माय ओवरलेज पे क्लिक करो। माय ओवरलेज पे क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसी स्क्रीन पे आ जाओगे। ऐसी स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू ओवरले। क्रिएट न्यू ओवरले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा साइज स्क्रीन की, जहाँ तक मुझे लगता है यस यहाँ पे ओवरले का रिजोल्यूशन पूछ रहा है, तो रिजोल्यूशन को आप 720p रखो क्योंकि वैसे भी फोन से स्ट्रीम करते हुए हम लोग 720p से ज़्यादा की स्ट्रीम नहीं करते हैं फोन से, तो 720p रिजोल्यूशन रखो और यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दो। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया है, न्यू एडिटर, मे बी लेटर कर देते हैं यहाँ पे, हमको न्यू एडिटर के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है ऐड विजेट पे, ओके ऐड विजेट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, हमको अलर्ट्स ऐड करना है तो हम अलर्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक, अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक ब्लू कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, जो स्क्रीन में आ चुका है। अब इस ये अलर्ट का स्क्वायर है तो इसको हम लोग सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर लेते हैं, सो दैट जो भी अलर्ट्स आए जब भी कोई सब्सक्राइब करे या सुपर चैट करे तो आपकी स्ट्रीम में सेंटर में दिखाई दे। तो वो करने के लिए यहाँ पे एक बार वो स्क्वायर पे क्लिक कर लो और यहाँ पे पोजीशन साइज एंड स्टाइल जो है इस पे क्लिक करो और यहाँ पे सेंटर विजेट का ऑप्शन आ जाता है, इस पे क्लिक कर दो। सेंटर विजेट करने के बाद वो सेंटर में आ जाएगा। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेव, ऊपर जो सेव बटन है इस पे क्लिक कर लेना है। सेव बटन पे क्लिक कर लोगे आप तो ये आपको ओवरले का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं अलर्ट्स, अलर्ट्स नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे और इसको ओके कर देता हूँ अलर्ट्स नाम देख के सेव। ठीक है, ये हो चुका है अपना अलर्ट्स का, यहाँ पे एक ओवरले बन चुका है। तो अब यहाँ पे एक बार सेव बटन पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा, ऊपर सेव बटन पे क्लिक कर दिया, मेरे ख्याल से वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक बार बैक कर लो, सेव करने के बाद एक बार बैक अप कर लोगे तो आप आ जाओगे ये स्क्रीन पे जो कि अभी लोड हो रही है। ठीक है, ये स्क्रीन पे आ चुके हो आप, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, कॉपी यूआरएल करना है। ठीक है, कॉपी यूआरएल आप कर लो, उसके बाद यहाँ पे होम दबा दो, अपने प्रिज्म ऐप पे चले जाओ जिसमें आप लोग अलर्ट्स ऐड करने वाले हो अभी, जिसमें मैं बताने वाला हूँ। तो प्रिज्म ऐप खुलते से ही आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को रेडी बटन पे क्लिक करना है, जो रेडी बटन है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कैमरा को ऑफ कर देना है क्योंकि कैमरे का कोई काम है नहीं, और माइक को भी यहाँ पे हम लोग ऑफ कर सकते हैं फिलहाल।
ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इतना करने के बाद कैमरा ऑफ कर दिया है, माइक ऑफ कर दिया, आप लोग माइक को ऑन रखना ताकि आपकी जो आवाज़ है स्ट्रीम पे जाए। माइक आप लोग ऑफ मत करना, मैं अभी सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने माइक ऑफ किया, आप लोग मत करना माइक को ऑफ, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ मेरे प्रिज्म ऐप में, आप लोगों को भी कुछ यही सेटिंग कर लेना है। बस दो सेटिंग पे ध्यान दो, कंसील वाटरमार्क वाला ऑप्शन ऑन रखो और अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स इसको भी ऑन रखो। ये दो चीज़ मैंने ऑन रखी है तो ये चीज़ आप भी एक बार ध्यान दे दो कि आपका ऑन है। वीडियो रिजोल्यूशन मैंने 720p रखी है, ठीक है। इतना है हमारी सेटिंग, अब हम लोग इसको पकड़ लेते हैं लैंडस्केप मोड में, ठीक है। लैंडस्केप मोड में पकड़ने के बाद आप लोगों को एक बार लेफ्ट स्वाइप करना है, लेफ्ट स्वाइप ऐसा, अबे हो जा हाँ ठीक है, लेफ्ट स्वाइप हो गया। यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, मीडिया, म्यूजिक, टेक्स्ट, वेब, स्क्रीनकास्ट। तो यहाँ पे हमको वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेब वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे URL आपको जो आपने अभी URL कॉपी की थी उसी को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वो URL को कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे इसका टाइटल दे देते हैं हम लोग, अलर्ट्स स्ट्रीम एलिमेंट्स आ गया ना, यहाँ पे लिख के अलर्ट्स लिख देता हूँ, अलर्ट्स स्पेस स्ट्रीम एलिमेंट्स, ठीक है। इतना कर दिया, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। एक बार सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार अलर्ट्स वाले उस पर क्लिक करो और इसको फुल स्क्रीन कर दो, ठीक है। ऐसा फुल स्क्रीन कर दिया आपने, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करो, यहाँ पे फिर से नीचे वाला जो अलर्ट्स का डब्बा आ चुका है यहाँ पे, इस पर क्लिक करो और इसको यहाँ पे देख लो कि फुल स्क्रीन है या नहीं। फुल स्क्रीन है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ ये स्क्रीन पे आ सकते हो। एक चीज़ और आप लोग कर लो ध्यान से, स्ट्रीम शुरू करने से पहले इसको वापस करो, इधर जो थ्री डॉट है ना, थ्री डॉट इस पर क्लिक करो, ये सेटिंग्स में जाके उसको फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे लॉक लेयर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। इतना कर लिया आप लोगों ने, अब आप लोगों का यहाँ पे सेटिंग हो चुका है, अब आप लोगों को सिर्फ लाइव जाना है। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइव वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ मैं और आप लोगों को लाइव जाके मैं दिखा देता हूँ कि वो अलर्ट्स कैसे दिखेंगे जब आपको कोई सब्सक्राइब करेगा या सुपर चैट करेगा तो वो आप लोगों को कैसा दिखाई देगा। तो एक मिनट, अब देखो सब्सक्राइब कोई करेगा तो ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। और ये म्यूजिक भी आएगी, इसको आप चेंज कर सकते हो स्ट्रीम एलिमेंट्स के वेबसाइट पे, ये डिफॉल्ट है। आपको कस्टम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उस पर भी वीडियो बनाओ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। कोई सुपर चैट करेगा या आपको डोनेट करेगा तो ऐसा आपको अलर्ट्स आएगा स्ट्रीम करते हुए। जब कोई आपकी मेंबरशिप ज्वाइन करेगा चैनल की तो कुछ ऐसे अलर्ट आएगा, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से आपके चैनल पे अलर्ट्स ऐड कर सकते हो आप लोग, मतलब आपकी स्ट्रीम पे अलर्ट्स ऐड कर सकते हो प्रिज्म ऐप के थ्रू। तो गाइस आई होप कि आप लोग ये वीडियो देख के समझ चुके हो कि आप लोगों को कैसे अलर्ट्स ऐड करना है अपने प्रिज्म ऐप में और वो कैसे आप लोगों की स्ट्रीम पे दिखाई देगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों को कुछ सजेशन देना है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय।